मामला है किस पर? आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हमारे जो विभिन्न कंपनियों में निवेशकों का जमा धन है वापस न होना, ये समाज की सबसे बड़ी समस्या है और इसको सरकार अनदेखी कर रही है। जबकि भारत सरकार ने एक कानून बनाया है निवेशकों का भुगतान करने के लिए, वो है बट्स एक्ट 2019, यानी विनियमित जमा पाबंदी कानून अधिनियम 2019। उसके तहत आवेदन करने से 180 दिन में भुगतान की गारंटी देता है। उसके तहत हम लोग आवेदन कर रहे हैं, एडीएम को यहाँ सक्षम अधिकारी बनाया गया है फतेहपुर में, और ज़्यादातर सब जिलों में एडीएम को ही सक्षम अधिकारी बनाया गया है भुगतान के लिए। आवेदन हो रहे हैं, आवेदन जमा कर रहे हैं, उसकी ना तो रिसीविंग दे रहे हैं और ना भुगतान की कोई प्रक्रिया अभी तक शुरू किया है, इसलिए पुनः हम लोग आज फिर इकट्ठा होकर के ज्ञापन दिया है। कितने निवेशक होंगे लमसम यहाँ पर? फतेहपुर जनपद में कम से कम 10 लाख निवेशक है। कितना धन फंसा होगा? और यहाँ हजारों करोड़ रुपया है विभिन्न कंपनियों का मिलाकर के। मांग क्या है आप लोगों? हम लोगों की मांग है कि जो बट्स एक्ट 2019 भारत सरकार ने भुगतान के लिए बनाया है, उसके तहत सबका भुगतान किया जाए और उस कानून में 180 दिन में भुगतान की गारंटी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा 23 मार्च 2023 को दिल्ली का घेराव है। कर्तव्य पथ पर पहुँच करके पूरे देश के निवेशक वहाँ प्रधानमंत्री से मांग करेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो हम लोग आने वाले चुनाव, लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कराएंगे और जगह जगह हर जिले में धरना प्रदर्शन भी करेंगे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सूरज दीन विश्वकर्मा, ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार, प्रदेश अध्यक्ष।